हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने दो सिम का, अगर मोबाइल है तो एक सिम को आप किस प्रकार बंद कर सकते हैं, उस पर अगर कोई परेशान कर रहा है या फिर आप उस सिम से यूज नहीं करना चाहते, कुछ समय के लिए बंद रखना चाहते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या होता है, यहाँ पर सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिम कार्ड्स और मोबाइल सेटिंग्स है, यहाँ पर देखो सिम कार्ड्स मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो सिम वाली सेटिंग में जाना है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि दो सिम या तीन सिम जितने भी सिम आपके मोबाइल में वो यहाँ पर दिखेंगे। तो हमारे मोबाइल में तो दो सिम है, यहाँ पर आपको सिम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो दो सिम में से हमने क्या करना है, एक यहाँ पर जिस सिम को आपको बंद करना है वहाँ पर आपने एक बार क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो उस सिम के बारे में डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो उसमें आप यहाँ पर जो ऊपर राइट साइड में यहाँ पर जो टर्न ऑन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ से बंद कर रहा है, ठीक है। और एक बात ऊपर से भी देख लीजिए यहाँ पर कि हमारे दोनों जो सिम है यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों सिम शो हो रहे हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक शो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर हमारा एक सिम बंद हो गया है। तो वो मोबाइल में सिम रहेगा लेकिन उसको नेटवर्क नहीं आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम एक मोबाइल में दो अगर सिम का मोबाइल है तो आप एक ही सिम इसमें चला सकते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम ऐसे ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं।